लोकसभा चुनाव में जनता से जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 दिसंबर शनिवार से गोलघर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 से 15 दिसंबर तक प्रति विधानसभा में टोली बनाकर 150 किलोमीटर पद यात्रा कर आम जन से जुड़ते हुए लोकसभा चुनाव 2019 को फतह करने का लक्ष्य है। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिन्हा, पार्षद राधेश्याम रावत, विश्व जितांशु सिंह, आशु देवेंद्र सिंह, पिंटू सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्या पढ़ किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, काम किया है अपना जो महानगर का दो मंडल आर्य नगर और गीता नगर ग्रामीण विधानसभा का हिस्सा है, वो भी कालीबाड़ी मंदिर पे उसका उद्घाटन सिंह ने किया है और वहाँ से फिर पद यात्रा आएगी और हम सभी एकत्रित होकर के आगे यहाँ बढ़ेंगे। आज के इस 322 शहर विधानसभा के शुभारम्भ के अवसर पे विशेष रूप से उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सुखेंद्र शुक्ल जी, शहर विधानसभा के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और सदस्य सिन्हा जी, क्षेत्रीय मंत्री विश्वजीत सिंह आशू जी, हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, महानगर शर्मा जी, मंडल अध्यक्षगण, सभी कार्यकर्ता बंधु, युवा मोर्चा के सभी साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया है, वातावरण जितना स्वच्छ होगा समाज उतना ही स्वस्थ होगा। समाज को बीमारी से मुक्त करने के लिए वातावरण का स्वच्छ होना जरूरी है। स्वच्छता के प्रति जनता में जागरूकता फैलाना मुख्य लक्ष्य है। हमारा शहर साफ और सुंदर दिखे, ये हम सब का लक्ष्य है। सुंदर वातावरण में जो बच्चे होंगे वे स्वस्थ होंगे और वे स्वस्थ वातावरण में रहेंगे तो देश की भविष्य के रूप में निर्मित होंगे।